बेशक आज अंधेरे हैं, अल्लाह के दीप जलाओ नूर ही नूर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने उनको दी तरकीब, तो फिर ये इश्क कैसा है, रखे महबूब को पीछे ये सुन के मेरे आगे इस तरह समझाया उस्ताखे बेहद को, अरे नादान तू समझा नहीं इस राज़ को। सुभान अल्लाह। खुदा तो पहले सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, जमीनों आसमां तेरे है मौजूदो अदम तेरा, जो दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे मौला, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ करम तेरा। बारगाह रब्बुल जलाल वल इकराम में
तिलावत कलम मजीद और हमदे बड़े ताला और नाते रिसालत मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल का आगाज फरमा रहे थे जनाब कारी नूर मोहम्मद सरहंदी साहब। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक उसे अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी मालो मता से बढ़कर, अपनी आलो औलाद से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। और अल्लामा ने क्या खूब कहा कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हजरत नाथ पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ कराची के मशहूर मारूफ नाथा जनाब हाजी कलीम सरवर साहब को के तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में बुलाए अपने दर पेश फरमाएं। हजार बार बिशोर दाहन से मुश्क गुला हुनूजना तो कुफ्तन कमाल बेअदबीस जहां जिक्रे हबीब होता है जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जिसको चाहा उसे नवाज दिया, जिसको चाहा उसे नवाज दिया, अपना अपना नसीब हो अपना अपना नसीब होता है। और जिनको होती है उनकी दीद नसीब, दिल को होती है उनकी दीद नसीब, उनका कैसा नसीब होता है। जिनको होती है उनकी दीद नसीब, उनका कैसा नसीब होता है। और उनकी चौखट से मांगने वाला कौन कहता गरीब होता है, उनकी चौखट से मांगने वाला कौन कहता गरीब होता है। जात अहमद अगर नहीं आती ता कयामत सहर नहीं आती, जात अहमद अगर नहीं आती ता कयामत सहर नहीं आती। और दामन मुस्तफा में आ जाओ, दामन मुस्तफा में आ जाओ, धूप गम की इधर नहीं आती, दामन मुस्तफा में आ जाओ,
धूप गम की इधर नहीं आती और जिनको सरकार भीख देते हैं जिनको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती जिनको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती कोई कितना बड़ा सवाल करे झोली खाली मगर नहीं आती मंगतों को सुल्तान बनाया मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे गमली वाले ने सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा लफ्ज माना में वो समाए नहीं लफ्ज माना के बाद क्या लिखूं लफ्ज माना में वो समाए नहीं लफ्ज माना के बाद क्या लिखूं मैं खुदा तो नहीं अदीब हूँ दोस्त वरा फाना के बाद क्या लिखूं और वरा फाना लका जिक्र कहे साया तुझ पर वरा फाना लका जिक्र कहे साया तुझ पर जिक्र ऊंचा है तेरा मर्तबा आला तेरा उसी बार गए खैरुल अनाम में हदीए नात पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ मलिक साहब नाथ खान जनाब सलीम काजी साहब को सलीम आला यार रसूल अल्लाह मरहबा हबीब अल्लाह लो जुम के नाम मोहम्मद का लो जुम के नाम मोहम्मद का लो जुम के नाम मोहम्मद का इस नाम से राहत होती है इस नाम के सदके बटते हैं इस नाम के सदके बटते हैं इस नाम से बरकत होती है लो जुम के नाम मोहम्मद का लो जुम के नाम मोहम्मद का इस नाम से राहत होती ये शान अल्लाह का दिया देते हैं नबी अल्लाह का दिया देते हैं नबी ये शान करम अल्लाहवली अल्लाह का दिया देते हैं नबी देते तो सदा दे कर को ही देखे तो सदा दे हर चीज इनायत होती है देखे तो सदा देकर कोई देखे तो सदा देकर कोई हर चीज इनायत होती है नातों के सजाते गजरे पढ़ते अपनी तो इबादत होती है अपने तो नियाज़े अपने वैरों ने भी हमसे प्यार किया वैरों ने भी हमसे प्यार किया
अपनी जो इज्जत होती है सब नाम नबी का सदका है, सब नाम नबी का सदका है। अपनी जो इज्जत होती है लो जूम के नाम मोहम्मद का, इस नाम से राहत होती। ना पूछो इन अशकों का, ना पूछो इन अशकों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मसरूफ़े सना दिल तो आंखों में शाहे दो आलम होते हैं। एक रस्म है उसले काबा की, एक गुस्ल है दिल के काबे का। एक रस्म है उसले काबा की, एक गुस्ल है दिल के काबे का। उस गर्द को जमजम धोता है, इस मैल को आंसू धोते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सरफरोश, सरफरोश। झूम के बोलो, मस्ती में बोलो, ईमान से बोलो, सिद्दीक का नारा, उमर का नारा, उस्मान पुकारे, हैदर का नारा। तशरीफ रखिए, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सदर जनाब मोहम्मद आरिफ मेमन साहब तशरीफ लाए, जिनके इस्तकबाल में नारे लगाए गए। नारे से जरा एक दफा और महफिल को गरमाएं, नशिस्तों पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह अजीज, अब से चंद लम्हों बाद वो हस्ती, वो रूह परवर, वो आली इसी मर्तबत जिसकी निगाह इनकलाब मुस्तफवी का बेश खेमा बन रही है, वो हस्ती कि जिसने नौजवानों में एक तूफान इस्लाम पैदा कर दिया है, वो हस्ती कि जिसने हमारे नापाक सीनों को अपनी पाक जात की सोबत से पाकी अता कर दी है, निगाहों सोचों को तब्दील कर देने वाला वो इनकलाबी इमाम जमाना क़िबला काबा सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिसके इरफानी इल्मी और रूहानी खिताब से आज आप और हम मुस्तफीद होने के लिए यहाँ जमा हुए। पुकारो सरकार आ रहे हैं, पुकारो सरकार आ रहे झुक जाओ चांद तारो, सरकार आ रहे हैं। या कमली वाले पिया, या कमली वाले पिया, विखा सानु सखी द्वारा, सखी द्वारा, सखी द्वारा तोरा, सखी द्वारा, सखी द्वारा तोरा, सखी द्वारा, साडा हो भी गुजारा मदीने वाले पिया, मदीने वाले पिया, विखा सानु सखी द्वारा, विखा सानु सखी द्वारा, है नूर का सुरमाने नन में, है नूर का सुरमाने नन में, जुल्फे बाकी प्यारी प्यारी, जुल्फे बाकी प्यारी प्यारी, सूरत मेरे प्यारे आका की, सूरत मेरे प्यारे आका की, है मन मोहनी प्यारी प्यारी, है मन मोहनी प्यारी प्यारी, मोरे पंख जो हो ते तो उड़ जाता, मोरे पंख जो हो ते तो उड़ जाता, मैं तोरा हतकत हूँ बरसों से, मोरे किस दिन हो की हाजरी, मोरा जीवन बीता जाए मदीने वाले पिया, मदीने वाले पिया, विखा सानू सखी द्वारा, विखा
तनु सफी दुआरा बड़ा दूर मदीना बड़ा दूर मदीना प्यारा प्यारा है। ये थे जनाब मसूद वारसी साहब जो बारगाह सारत में हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। जैसा कि आप तमाम के लम्हे हैं कि आज की इंटरनेशनल इस्मेज़ात अल्लाह कॉन्फ्रेंस अंजुमन सरफोशा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से मुनक़द की जा रही है। बारगाह सालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब मोहम्मद सलीम नक्शबंदी साहब को कि तशरीफ लाएं और हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल करें। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। और शब्दे नहीं है जो तुम्हारा वो हमारा हो नहीं सकता। और नबी के चाहने वालों के दामन से हुआ वास्ता, नबी के यकीन है कब्र में मेरे अंधेरा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मोहम्मद सलीम नक्शबंदी साहब, और अब मैं दावत नात दे रहा हूँ जनाब मोहम्मद अतीक कादरी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे हैं। और मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के दर पर, चलो आमना के दर पर, खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं, खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। अब लगता है कि फिजा कुछ मुअत्तर हो गई है, खुशबुओं का पेशवा आ गया है, जिस सीने महकते हैं वो इमाम आ गया है, जो जमाने में इस मिजाज की शमा लेकर उठा और जमाने में तूफान बनकर फैला, समंदर की वसतों से ज्यादा जिसके सीने में गहराई है इस मिजाज किन्हा है, जो नौजवानों को रोज रोज तब्दील कर रहा है, अल्लाह के दरबार की तरफ ला रहा है, दीदार रसूल अदा कर रहा है, गौसे आजम की बारगाह में मंजूर नमक बना रहा है, नौ
शराबे मार्फत का जाम पिलाने वाला आसमां की बुलंदियां जिसकी जूतियों को चूमने के लिए मुस्तरिद और बेचैन है, रस्मी अल्फाज नहीं हकीकी पेशवा इहार हमारा कायदे इंकलाब रहबरे आजम जनाबे सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही तशरीफ ला रहा है। इस्तकबाल कीजिए नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा हैदरी या अली हैदरी या अली नारा सरफराश अल्लाह है सरफराश अल्लाह है झूम के बोलो अल्लाह है बस्ती में बोलो अल्लाह है ईमान से बोलो अल्लाह है इकरा अल्लाह है मरता नारा अल्लाह है ईमान पुकारे अल्लाह है हैदर का नारा अल्लाह है हर दिल पे लिखा हो अल्लाह है हर दिल पे जमा हो अल्लाह है ईमान हमारा अल्लाह है पहचान हमारी अल्लाह है तेरा शाही मेरा शाही गौहर शाही गौहर शाही दुनिया पर है किसकी शाही गौहर शाही गौहर शाही तेरा माही गौहर शाही दीन नबी का सच्चा दाई गौहर शाही मेरा तेरा कौन है माही गौहर शाही बनके मस्त मलंग रहेंगे गौहर तेरे संग रहेंगे दुनिया वाले दंग रहेंगे गौहर तेरे संग रहेंगे। सरदार की जनाब में बर्जस्ता आजिजाना अर्ज करते हुए दावत दे रहे हैं कि कबूल फरमाए नसरुल्लाह नूरी साहब सकील पाले आदे गौहर शाही रे आदे गौहर शाही सकील पाले आदे गौहर शाही रे आदे गौहर शाही दीवान आओ दीवाना आओ दीवाना दीवानों मिल के पर मुर्शिद की कसीदा पानी जब दिल मायूस हुआ है और बलाने गेरा और बलाने गेरा मुश्किल हल्का बांध के आई गम ने लगाया डेरा गम ने लगाया डेरा छट गए बादल रे जालम के छट गए बादल रे जालम के दिल से सताए सकील पाल आदे गौहर शाही रे आदे गौहर शाही दीवानो आओ दीवानो आओ दीवानो आओ दीवानो मिल के कहे मुर्शिद की कसीदा सुलग कर तुझ बिन जीना तड़प तड़प कर मरना तड़प तड़प कर मरना चश्मे बिना के बिन रहना दीद को तेरी तरसना मुर्शिद दीद को तेरी तरसना अपने मोहब्बत मोहब्बत किस दिल में कैसी आग लगाई
पार आज गौहर शाहे रे आज गौहर शाहे देवानो देवानो दीवानो आओ दीवानो आओ दीवानो मिल के करे मुर्शिद की कसीदा खानी रवाने जामित हो जब ठहरे सांस के झोंके ठहरे सांस के झोंके मेरे वसीयत सिर्फ यही है जान कने के लम्हे लम्हे जान कने के लम्हे मेरे कफन पर लिखवा देना मेरे कफन पर लिखवा दे दफनाने वाले भाईया सखे लजपाल आदेगा हर शाहे। समीन इकराम, आज इस पुर आशोब दौर में जब मुसलमान मुसलमान को ज़िबा कर रहा है, आज इस तारीकी में जब इंसानियत इंसानियत से गिर चुकी है, आज इस दौर में दीन की किताबें रटी तो जाती हैं मगर फैजान रसूल को नहीं जानते, दरबार पे जाकर लकड़ी के दरवाजों से तो गुजर जाते हैं मगर फकर रसूल के दरवाजे का नहीं मालूम। हाँ हाँ, नमाजों के रस्मी सजदे और रस्मी उतार चढ़ाव तो जानते हैं मगर नमाज की हकीकत जिससे इंसान का दिल सजदे में चला जाए, नमाज की वो हकीकत जिससे कुर्ब खुदा और माहियत मुस्तफा मयसर आ जाए, उससे यकसर नाशना दौर के अंदर इस तारीकी और अंधेरे में इसमें जात की शमा जलाकर जिस अंदाज से अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के पैगाम को गौहर शाही की नजरों ने फैलाया है, ये फैलाव ये वसअत ये तंजीम का निजाम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, पाकिस्तान की सरहद तक पाबंद नहीं, बल्कि आज सात समंदर पार ये आवाज पहुंच चुकी है। आइए सुने उस आवाज को जो शायद आपके दिलों पर भी इसमें जात अल्लाह नक्श कर दे, सुनिए उस आवाज को भी जिसमें कायनात की इख्तितामी उन लम्हात को उन फयूजात को आम बांटा जा रहा है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ क़िबला काबा सैयदना व मुर्शिदना रियाज अहमद गौहर शाही को, जिनके लिए अल्लामा ने कहा, अल्लामा इकबाल ने खूब कहा कि काफिर की है पहचान कि आफाक में गुम है और मोमिन की है ये शान कि गुम उसमें है आफाक। खिताब देता हूं, दावत खिताब देता हूं क़िबला सरकार शाह साहब सरपरस्तुबानी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम को, इस्तकबाल कीजिए, नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी नारा सरफरोश सरफरोश, जरा झूम के बोलो अल्लाह हो, मस्ती में बोलो अल्लाह हो, ईमान से बोलो अल्लाह हो, सिद्दीक का नारा अल्लाह हो, उमर का नारा अल्लाह हो, उस्मान पुकारे अल्लाह हो, हैदर का नारा अल्लाह हो, हर दिल पे लिखा हो अल्लाह हो, हर दिल पे जमा हो अल्लाह हो, हर धड़कन बोले अल्लाह हो, हर दिल में गूंजे अल्लाह हो, मक्के का नारा अल्लाह हो, कैबा का नारा अल्लाह हो, बगदाद का नारा हैदरी मेरा शाही मेरा शाही गौहर शाही गौहर शाही। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम, आपके शहर में कई बार आना हुआ, आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आजारी नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ता चीनी नहीं है, हर घर में हर महल्ले में कुछ दिल वाले होते हैं, उन दिल वालों को निकालना मकसद है और दिल की आवाज़ दिलों तक पहुंचाना मकसूद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे अंदर एक जहान बंद है
लेकिन तुझे इसकी खबर नहीं। वो जहान क्या है? तुम समझते हो कि ये गोश का लोथड़ा है? ये गोश का लोथड़ा जानवरों में भी होता है, तो फिर वो जहान क्या है? जब ये जिस्म बनाया गया, इसमें रूह डाली गई, रूह की इमदाद के लिए कुछ और मखलूकें डाली गई जिनको लताइफ कहते हैं, फिर उन लताइफ की इमदाद के लिए 9 और मखलूकें डाली गई जिनको जुस्से कहते हैं। 16 मखलूकें इस ढांचे में डाल दी गई, फिर ये ढांचा चलने फिरने के काबिल हो। कुछ मखलूकें हवानी, कुछ इलवी, कुछ शैतानी। एक मखलूक शैतानी है जिसका नाम नफ्स है, जिसने पूरे इंसान क्या पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ है। अब उसकी पाकीजगी के लिए इंसान को हुक्म दिया गया। वो नफ्स कुत्ते की मानंद है। एक हदीस भी में है कि जिस घर में कुत्ता होगा वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। लोग समझते हैं वो उस कुत्ते के लिए है, वो उस कुत्ते के लिए नहीं है। वो तो आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए जन्नत में बनाया गया था, और आज भी वो आदमी की हिफाजत करता है, घर में ही करता है ना। अगर उसको गली के कोने में बांध के आओगे तो हिफाजत क्या करेगा? वो उस कुत्ते के लिए नहीं है। ये जो इंसान के अंदर कुत्ता है, ये इसके लिए है। इंसान नापाक नहीं था, मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी नापाक नहीं है। वो जो कुत्ता इसके अंदर आया तब वो नापाक हुआ। जब तक उसको पाक नहीं करेंगे खलासी नहीं होगी। हदीस शरीफ में है कि कुछ लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो उनके ऊपर लानत करता है। क्यों लानत करता है? उनके अंदर कुत्ते हैं, जिसके अंदर कुत्ते हैं वो नापाक है। मजद साहब फरमाते हैं कि मुब्तदी को चाहिए कि पहले जिक्र अल्लाह करे। कुरान मजीद उन लोगों के पढ़ने के काबिल नहीं है जिनके नफ्स कुत्ते हैं। फरमाते हैं कि पहले जिक्र करे, अपने नफ्स को पाक करे, और जब नफ्स पाक हो जाए फिर कुरान मजीद को हाथ लगाए। उस वक्त एक लम्हा का फिक्रिया, एक लम्हा फिक्रिया हजार साल की इबादत से बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो नफ्स पाक कैसे होता है? लोग कहते हैं अल्लाह इबादत से मिलता है। हम कहते हैं बिल्कुल गलत है, अल्लाह इबादत से नहीं मिलता है। अगर इबादत से मिलना होता तो सबको मिलता ना, हर आबद को मिलता है। अल्लाह दिल से मिलता है। इबादत दिल को साफ करने का जरिया है और नफ्स को पाक करने का जरिया है। अगर आप इबादत से दिल को साफ नहीं कर सकते, नफ्स को पाक नहीं कर सकते, आप रब को पा नहीं सकते। अब वो जो नफ्स है तुम्हारे अंदर, वो पाक कैसे होगा? जो तुम्हारे अंदर 7 मखलूकें हैं, वो 7 मखलूकें अल्लाह का जिक्र करती हैं अगर उनको कराया जाए तो। भाई मखलूक जो है, जिस तरह जिन फरिश्ते हैं इस तरह वो मखलूकें। सबसे पहले कलब का जिक्र सीखना पड़ता है, फिर रूह का, फिर सिरी का, फिर खफी का, फिर अख्फा का, फिर अन्ना का। जब ये सारे जिक्र अंदर जारी हो जाते हैं तो वो जो नफ्स है उसकी गजा सांस के जरिए या खुराक के जरिए नार अंदर जाती है। अब जब नार अंदर जाती है और जो अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है, उसकी नूर की गर्मी से वो नार जल जाती है। अब उस नफ्स तक गजा नहीं पहुंचती। जब गजा नहीं पहुंचती तो उसको भूख लगती है। कोई नफ्स तो सरकश है, वो नूर की गजा नहीं लेते मर जाते हैं। और कोई नफ्स इन अपने हमसाया मखलूकों को कहते हैं कि हमें कुछ खुराक दो जीने के लिए, ये फिर उन्हें नूर देते हैं। दूसरे दिन फिर मांगते हैं, फिर उसको नूर देते हैं। तीसरे दिन फिर वो मांगता है, फिर ये कहते हैं कि कलमा पढ़, इसी का नूर तेरी गजा हो जाएगी। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए फिर कलमा पढ़ना शुरू करता है। उस कलमे के असर से वो काला कुत्ता था, वो सफेद कुत्ता बन गया।
پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے, اس غذا کے لیے. پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے, پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے, پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے, پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے, پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے. اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے, ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے. وہ انسان اللہ کے ذکر میں جھومتا ہے, ساتھ وہ بھی جھومتا ہے. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے. اب ادھر اس کے ذریعے ادھر رسائی ہوگی, عبادت تو یہ ہے نا. ادھر پھر قلب, جب قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اللہ سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار, دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. جب دل سے اللہ اللہ شروع ہوتی ہے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, پھر وہ داڑھیوں کو نہیں دیکھتا, شکلوں کو نہیں دیکھتا, وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب وہ چمکتا ہوا دل پایا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. اب ادھر بھی رسائی ہوگی اور ادھر بھی رسائی ہوگی. اس کو علم باطن کہتے ہیں. حضور پاک کے زمانے میں علم ظاہر اور علم باطن اکٹھے چلتے تھے. علم ظاہر زبان والوں کے لیے اور علم باطن دل والوں کے لیے. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی عبادت پہ کناد کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا, اور آج بھی وہی لوگ زبانی زبانی والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے, اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اب یہ علم کہاں سے ملتا تھا؟ یہ علم ہمارے عالم ربانی یہ وہ سکھاتے تھے. پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں. زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں. پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر دل والا علم سکھاتے ہیں. لیکن عالم ربانی جب چلے گئے پھر پیچھے دوسرے عالم زبانی رہ گئے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے شریعت میں اس سے آگے کچھ نہیں ہے. طریقت بھی شریعت میں, حقیقت بھی شریعت میں, معرفت بھی شریعت میں, فنا بھی شریعت میں, بقا بھی شریعت میں, لقا بھی شریعت میں. اور ہم کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ شریعت میں ہے تو غوث پاک نے بھی شریعت سیکھی تھی, وہ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ بھائی خواجہ صاحب نے شریعت سیکھی تھی, وہ اصفہان کے پہاڑیوں میں کیوں رہے؟ اور بولی کلندر رحمۃ اللہ شریعت کا سبق دیتی تھے, وہ سبق چھوڑ کے جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہ اس دل والے علم کے لیے گئے. شریعت تو شہروں میں سکھائی جاتی ہے نا, استاد تو شہروں میں ہے نا, جنگلوں میں استاد تو نہیں ہے نا. دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ میرا ماہی تیرا ماہی. جو جنگلوں والے استاد ہیں اور جن کے لیے آدمی گھر بار چھوڑتا ہے, کھانا پھاکے کاٹتا ہے, وہ پھر کوئی خاص ہی استاد ہوں گے نا. پھر وہ استاد حضور پاک ہیں, پھر ان کو وہ حضور پاک تعلیم دیتے ہیں. پھر جب وہ مڑ کے آتے ہیں تو پھر وہ ولی بن جاتے ہیں. وہ دل والی تعلیم ہے. ہمارے علماء جو زبانی رہ گئے انہوں نے کہا شریعت سیکھو, شریعت سکھائی, ان کا شکریہ. اب کہنے لگے شریعت کے آگے کیا ہے؟ سیاست ہے, چلو سیاست کی طرف. وہ سیاست میں لے گئے, لے کے ادھر جانا تھا نا اندر کی طرف, وہ سیاست کی طرف لے گئے. وہ پوچھا بھائی یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے, سیاسی بہت لوگ ہیں, تم کو زیب نہیں دیتی. کہنے لگے حضور پاک نے سیاست کری تھی. بھائی اگر حضور پاک نے سیاست کری تھی تو وہ سیاست, اس سیاست نے مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں کیے,
मजहब के टुकड़े नहीं किए, उस सियासत ने मुसलमानों को यकजा किया। तुम्हारी सियासत मजहब के टुकड़े कर रही है, मुसलमानों के टुकड़े कर रही है, मजहब के क्या मुल्क के भी टुकड़े कर रही है। अगर वो सियासत है जो हजूर पाक वाली थी तब तो हम तुम्हारे साथ है ना, अगर ये सियासत है तो फिर हम कहते हैं खुदा रहा इन नौजवानों के अंदर एक खजाना बांधा है, इनको उस बजाय सियासत के इनको रूहानियत में लगाओ। सियासत से अगर इनको कुर्सी मिली तो तुमको मिलेगी ना, इनको नहीं मिलेगी ना, ये तो जैसे है वैसे ही है ना। अगर ये रूहानियत में चले गए तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। बच्चा स्कूल में पढ़ता है ज्यादा नहीं अलभ्य तो जान ही जानता है ना, अगर ये रूहानियत में चले गए ज्यादा नहीं कलब तक पहुंच ही जाएंगे ना। मेरा शाही ये दिल वाला इलम ये मदरसों में नहीं मिलता, ये मसाजिद में नहीं मिलता, ये किताबों में भी नहीं मिलता। किताबों में इशारे हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हजूर पाक से दो इलम हासिल हुए, एक तुम्हें बताया और अगर दूसरा बताऊं तो मुझे कत्ल कर दो। वो दूसरा कौन सा इलम था जिससे उनको कत्ल कर दिया जाता, हम सोचते थे पता नहीं कितना खतरनाक होगा, नहीं वो दिल वाला इलम था। जब हमने इसकी आवाज उठाई तो वाजिबुल कत्ल के फतवे लगना शुरू हो गए, वो यही इलम था। कुरान मजीद में भी इसके इशारे हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम को इल्मे लदुनी था, इशारा है, या अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहे इल्मे गैब के लिए चुन लेता है, ये इशारे हैं, इल्म नहीं है। हमारे आलमों ने उस इल्म को कुरान मजीद से ढूंढने की कोशिश करी, हर तफसीर का मतलब समझने की कोशिश करी, लेकिन वो इल्म नहीं ढूंढ सके। आखिर यही कहा कि वो इल्म है ही नहीं, अगर होता तो कुरान मजीद से अलावा कहाँ होता, लेकिन ये नहीं पता कि वो इल्म हजूर पाक के सीने मुबारक में है और सीना बाई सीना मुस्तक लोगों को मिलता है। हजूर पाक फरमाते हैं मुझे तीन इल्म अता हुए, एक जबान वालों के लिए, एक दिल वालों के लिए और एक सिर्फ मेरे लिए। मस्त मलंग रहेंगे, बाहर तेरे संग रहेंगे, दुनिया वाले दंग रहेंगे, बाहर तेरे संग रहेंगे। अब वो दिल वाला इलम किस तरह है, लोग कहते हैं दरवेशों का ख्याल है, लोग कहते हैं हमने दिल देखा है गोश का लोधरा है, इसकी जबान नहीं है, कैसी अल्लाह कर सकता है, यही कहते हो ना। अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी वाकई ये दिल अल्लाह कर सकता है तो यकीन करो तुम्हें इसके बगैर नींद ही ना आए। तुमने क्या ये ख्याल है, और दरवेश कहते हैं ये जबान ये भी तो गोश का लोथरा है ना, ये अल्लाह कैसी करती है। वो गोश का लोथरा उधर लटका हुआ है दो पसलियों के दरमियान, और ये गोश का लोथरा इधर लटका हुआ है दो जबड़ों के दरमियान, वो भी गोश्त और ये भी गोश्त। इस गोश के लोथरे को ताकत नहीं है अल्लाह अल्लाह करे, इसको अल्लाह अल्लाह कराने के लिए कोई मखलूक है, वो सीने के सेंटर में है, उसका नाम है अख्वा। वो मखलूक इस गोश के लोथरे के जरिए बोलती है, अगर किसी में वो मखलूक ना आए उसको गूंगा बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं जबान तो सही है ये बोलता क्यों नहीं है। इंसानों और जानवरों का इन मखलूकों का फर्क है, अगर ये मखलूकें जानवरों में होती तो वो भी कुछ ना कुछ बोलते, तोतले ही बोलते क्योंकि जुबानें तो उनकी भी हैं। जिस तरह इस जबान को बुलवाने के लिए वो मखलूक है, इसी तरह वो जो गोश्त का लोथरा है उसको अरबी में फवाद कहते हैं, और वो जो साद मखलूक है उसको कलब कहते हैं। फर्क ये है कि ये मखलूक आजाद है और वह मखलूक 180,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स उस मखलूक को भी जगा ले तो जिस तरह ये जबान अल्लाह करती है इस तरह वो दिल भी अल्लाह करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सरफरोश। अब वो मखलूक जागेगी कैसे, वो तो 180,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स अंडे की खासियत से बेखबर हो,
उसे कहा जाए ये हवा में उड़ेगा, ये चू चू करेगा, वो कहेगा तू गलत कहता है, ना इसकी टांगे हैं, ना जुबान है, ना पर है, रोज तोड़ के देखता हूँ, खाता हूँ, कुछ भी नहीं, तू कहता है ये हवा में उड़ेगा। उसका नाम बेजा है, ये तुम्हारी इबरत के लिए है, तुम्हारे अंदर बेजा नासूती है। उसमें एक मुर्ग बंद है और इसके अंदर एक मुर्गे लाहूती बंद है। उसको मुर्गी चाहिए और इसको मुर्शिद चाहिए। मेरा शाही दीन नबी का सच्चा दाई, जिनसे हमने नेमत पाई। मुर्गी क्या करेगी, उसके हिसाब से उसको गर्मी पहुंचाएगी और मुर्शिद उसके सीने के हिसाब से उसमें अल्लाह का नूर पहुंचाएगा। जब वो अंडा फटेगा उसको कोई नहीं सिखाएगा, बगैर सीखे सिखाए चू चू करेगा, चू चू उसकी फितरत है। और जब ये फटेगा इसको भी कोई नहीं सिखाएगा, बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करेगा, क्योंकि अल्लाह अल्लाह इसकी फितरत है। उस वक्त आदमी कहेगा मैं तो अल्लाह अल्लाह नहीं करा, मेरे अंदर से कोई चीज अल्लाह अल्लाह कर रही है। वो उसका कलब जाग उठा। यहां से फिर दो तरह की तस्बीह चलती है, एक जबान वालों की तस्बीह और एक दिल वालों की तस्बीह। जबान वालों की तस्बीह क्या करती है, वो करती है टिक, जबान करती है अल्लाह, वो करती है टिक, जबान करती है अल्लाह, यानी उसका काम सिर्फ टिक टिक करना है। अब उस टिक टिक के बगैर भी अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं तो क्यों उंगलियां थकाते हैं, इसमें कोई राज होगा ना। जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह आपस में टकराता है तो नूर बनता है। लेकिन वो जो नूर बना वो उंगलियों में, अल्लाह अल्लाह भी बार, वो नूर भी बार, ध्यान भी बार। इबादत है, रूहानियत नहीं है। वो जो नूर बना वो आप तुम्हारे काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो यौम मैशर में काम आएगा, वो वहां जमा हो जाएगा ना। उसी तरह की टिक टिक तुम्हारे अंदर हो रही है, वो दिल की तस्बीह है। उस दिल की तस्बीह के साथ ये जबान अल्लाह अल्लाह नहीं मिला सकती, वो जो अंदर कलब जाग उठा वो उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाता है। अब तुम उस मखलूक के उस्ताद बन गए कि तेरी तस्बीह ये है, अब तुम उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलवाना शुरू किया। 3 साल तक मिलाया, कभी मिला कभी हटा, कभी मिला कभी हटा, और 3 साल के बाद इतना पुख्ता हो गया कि तुम डट कर सोते रहे और अल्लाह अल्लाह होती रही। उस वक्त सुल्तान साहब ने फरमाया कुछ जागदे हो सोते हो, कुछ सोते हो जागदे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाग कर इबादत करते हैं सारी रात लेकिन सोए हुए में शामिल, और कुछ लोग बिस्तरों पर सो रहे हैं उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं हमारे दिल नहीं सोते। अब उन टिकटिकों का क्या काम है, वो खून को आगे भेजती हैं, नस नस में पहुंचाती हैं, फिर खून ऊपर आता है, फिर वो टिक टिक नस नस में पहुंचाती है। अब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिल गया, अब अल्लाह अल्लाह टिक टिक के जरिए नस नस में चला गया, पूरे खून में चला गया। सैयदी मुर्शदी जब अल्लाह अल्लाह नस नस में चला जाता है, पूरे खून में चला जाता है, उस वक्त शाह वली अल्लाह फरमाते हैं तू एक दफा अल्लाह करेगा तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का स्वाद मिलेगा। फरमाते हैं कैसे मिलेगा कि तेरे अंदर 3.5 करोड़ नशे हैं, दिल ने एक दफा अल्लाह करी 3.5 करोड़ नशे गूंज उठे। सुल्तान साहब फरमाते हैं 72,000 और स्वाब मिलता है अगर किसी का दिल एक दफा अल्लाह कहे तो। ये जो मसाम है जहां से पसीना आता है ये 72,000 होते हैं। दिल ने एक दफा अल्लाह कहा 72,000 आवाजें यहां से भी गूंजी। फिर इलामा इकबाल ने फरमाया फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। फरमाया खुदी को कर बुलंद इतना और खुदी का मतलब समझाया, खुदी का सरे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना जिक्र कर लोग कहें मजनू है और मुनाफिक कहें रियाकार। हमें लंदन में एक डॉक्टर मिला, कोई वली डॉक्टर था, कहने लगा बात इससे भी आगे है कि क्या हो कि इंसान के जिस्म में खरबों जरासीम होते हैं, जब खून में अल्लाह ला जाता है तो वो भी अल्लाह ला करना शुरू कर देते हैं। तो बताओ वो सवाब किसको मिलेगा। नारे सरफराश, सरफराश,
سرفراش۔ جب کسی کے نس نس میں نور چلا جاتا ہے، پورے خون میں نور چلا جاتا ہے، تو وہ نور بن جاتا ہے۔ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور ماننے سے قاصر ہیں، لیکن عام آدمی جس کے نس نس میں نور چلا جائے وہ نور بن جاتا ہے۔ وہ جو پہلا طبقہ ہے تسبیح والا، وہ مسلمان کا ہے۔ آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، زبانی، زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے زبانی سارے ایک ہیں، دل سے تو ایک نہیں ہے نا، دل سے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور مومن ان کی زبان بھی کلمہ پڑھتی ہے اور دل بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو مومن کی تشریح ہے، اعراب نے کہا ایمان لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ اگر آج کا مسلمان دل سے بھی کلمہ پڑھ لے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو گئی نا، زبان سے بھی ایک، دل سے بھی ایک۔ پھر مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ عام آدمی یہاں تک پہنچا، نور بن گیا۔ اگر وہ عالم بھی ہے تو اس کو نور علل نور کہتے ہیں، اور انہی کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ اگر ان کی توہین کرو گے تو تم نے اسلام کی توہین کری، تو اسلام کی توہین کون کرتا ہے؟ مسلمان تو نہیں کرتا۔ انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ اگر مسلمانوں میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا، فوراً پہنچے جا کے مٹایا، ان کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ اور جو عالم اس علم باطن کے بغیر ہیں ان کو عالم زبانی کہتے ہیں، عالم سو بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے حدیث شریف ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جاہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو۔ یہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، لیکن مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ ان عالموں نے فتنے مٹائے، اور یہ روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب وہ پہلا درجہ مسلمان، پھر مومن، پھر عالم باعمل، اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے۔ اب ولایت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ولی کہاں سے آتے ہیں، یقین کرو اس کا راز پتہ چل جائے تو بڑا آسان ہے ولایت۔ اگر اس کا راز ہی نہیں تو بڑی دور ہے، بڑی مشکل ہے کہ وہ ولایت کیا ہے۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا، ہاں کافر کا بچہ آیا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے، ولایت کا راز سیکھا اور بڑے بڑے ولی بنے۔ اگر کافر کا بچہ وہ ولایت کا راز لے کے آیا تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، خواب میں تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں۔ جب اللہ کا نور ان نسوں میں پہنچا، ان تک پہنچا، تو وہ بھی بیدار ہو گئیں۔ جب وہ بیدار ہو گئیں، انہوں نے اندر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، ان کی اللہ اللہ سے تمہارے میں شعور آ گیا، نور کا شعور آ گیا۔ اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا، وہ ان چیزوں سے جو اندر بیدار ہو گئیں۔ ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ 12 سال لگے، وہ مخلوقیں ہیں جس طرح جن فرشتے ہیں، 12 سال لگے، وہ بالکل بالغ ہو گئیں۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں،
तुमने सोचा वो इस सीने से निकली हजूर पाक के कदमों में पहुंच गई। उस वक्त बुल्ले शाह ने फरमाया लोकी पंज वेले आशिक हर वेले, लोकी मसीती आशिक कदमा। जो लोग पांच वरब को याद करते हैं उनकी इंतहा मस्जिद है, बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन जो लोग इसके साथ आरोप अल्लाह अल्लाह भी करते हैं वो तो हजूर पाक के कदमों में पहुंच गए, कदमों में पहुंच गए नवाजे तो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बनके मस्त मलंग रहेंगे और तेरे संग रहेंगे। अब तुमने सोचा कि देखे ऊपर क्या हो रहा है, तुमने सोचा वो सीने से निकली ऊपर प्रवास कर गई। फरिश्तों ने रोका नहीं, रुकी, कहने लगे जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा। और वो बैतुल मामूर से भी आगे चली गई, वहां पहुंच गई जहां रब की जात है। जहरी जिस्म से हजूर पाक वहां पहुंचे और इन मखलूकों से वली वहां पहुंचते हैं। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि वाकई इंसान असफल मखलूकात है, उस वक्त का, इस वक्त नहीं। इसके बाद तुम मर गए। हमारा अकीदा है कि मरने के बाद नबी है या वली है सबकी रूहें आसमानों पे चली जाती हैं, यही अकीदा है। तो फिर दरबारों में क्या है, दरबार वाले की भी रूह आसमान पे चली गई और वो जो अजाफी मखलूकें थी वो वली बन के दरबार पे बैठ गई, लोगों को फैज पहुंचाती, नमाज पढ़ती, जिक्र करती और क्यामत तक इनका सवाब उनकी रूह को मिलता रहेगा। शबे मेराज में हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। फौरन ऊपर पहुंचे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद हैं। मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि मैंने आपको फलां दिन खाने काबे में देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा, मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन गौस पाक के रोजे पे देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। लोगों ने पूछा फिर क्या था, फरमाने लगे मेरा अंदर था। वो जो अंदर है, यहां जितने भी बैठे हैं सबके अंदर वो मखलूकें मौजूद हैं। अगर तुम उनका राज सीख लो, उनको गजा पहुंचाओ, तो फिर तुम मर के भी जिंदा हो, फिर उधर भी हो और इधर भी हो। अगर तुमने उनको नहीं छेड़ा वो 40 साल के बाद खत्म होना शुरू हो जाती हैं, फिर तुम जिंदा ही मुर्दा हो। फिर अलामा इकबाल फरमाते अब ना तेरी जरबकारी ना मेरी जरबकारी, अब तू अल्लाह करिए मैं अल्लाह करा, जो अंदर अल्लाह करने वाली चीजें वो ही खत्म हो गई। गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमी ने दावत पकाई, सुना होगा, 9 के घर जाके खाना खाया। कुछ तो कहते हैं कैसे हो सकता है, जो आपको चाहने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है, पता उनको भी नहीं कैसे हुआ है। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास और वो जिस्म के अंदर की चीजें उधर जाके खाना खा रही थी। अगर खाना खाया होगा, बैठी भी होंगी, उठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, और जिसमें उठने बैठने और बातों की ताकत है, नमाज में यही कुछ है। हो सकता है उनकी नमाज खाना काबा में होती है, और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अरशे मौला में होती है, एक दरवेश ने कहा कि दरवेश की नमाज अरशे मौला में होती है, मौलवी साहब डंडा लेके उसके पीछे भागे, ओ मैं तो दीवार इसके ऊपर नहीं जा सकता, तू अरशे मौला में कैसे जाता है। वो ये जिस्म अरशे मौला में नहीं जाता है, वो जो जिस्म के अंदर की चीजें वो अरशे मौला में जाती हैं। अब गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में था तो वो आजाद थी, कब्र में चला गया जिस्म मुबारक तब भी वो आजाद है ना, और उस वक्त भी अरशे मौला में नमाजें पढ़ती थी और अब भी पढ़ती हैं और क्यामत तक पढ़ती रहेंगे। तो सवाब किसको मिलेगा, जिसकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही, अल्लाह ताला के 99 नाम है, एक जाती है, 98 सिफाती है, 98 सिफाती मिलकर भी इसमें जात को नहीं पहुंच सकते। वो 1,24,000 नबी सिफाती इसमें इसमें जात वाले, सिफाती इसम वाले मिलकर भी इसमें जात वाले को नहीं पहुंच सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या है, ए अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया,
मैं नबी होके उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का सिफाती इस्म का जिक्र करते थे और उनके जिस्म में जो नूर आया वो भी सिफाती नूर आया। और क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए और हजूर पाक सामने जाके मुस्करा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताब ना ला सका, और हजूर पाक के जिस्म में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कराया, और हजूर पाक के तुफैल वो इस्म इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। और उम्मत इससे डरती है या महरूम है? बनी इसराइल के नबी रश करते हैं इस उम्मत के ऊपर, वो दीदार को तरसते रहे, ये कहते हम दीदार करते हैं। अगर इनको फजीलत है तो इसमें जात से है। हजरत इब्राहिम बिन उदो फरमाते हैं मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है। हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मैंने 99 दफा अल्लाह को देखा है। सुल्तान साहब फरमाते हैं इधर देखता हूँ मखलूक नजर आती है, ऊपर देखता हूँ अल्लाह नजर आता है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही? ये इसमें जात किसी नबी को नहीं मिला, मिला तो हजूर पाक को मिला। हजूर पाक के बाद 9 सहाबा कराम को मिला जिन्होंने इसको फैलाया। ये चश्ती नक्शबंदी कादरी उसी में से आते हैं, पहले 9 थे अब 4 रह गए, 4 भी एक कट गया सरवर्दी, 3 रह गए, 3 रह गए अब। अच्छा, फिर 9 सहाबा से फिर उन 12 इमामों को जो वक्त के गौस थे इज्तमाई तौर पे फिर उनको दे दिया गया, फिर उन्होंने इसको फैलाया, फिर 12 इमामों से लेके इनफरादी तौर पे गौस पाक को दे दिया गया, तब आप गौस आजम कहलाए। अब फिर गौस पाक को हुक्म हुआ कि अब तुम इसको आगे फैलाओ। अब फिर गौस पाक ने फिर वलियों को फैलाना शुरू कर दिया। अब जो इसमें जात गौस पाक के पास है, आपको कहीं से भी हासिल हो जाए समझें कि आप गौस पाक से ही आपको इसमें जात हासिल हुआ। फिर जब ये वलियों तक पहुंचा, उनके सीनों तक पहुंचा, फिर इसके बाद ये बिगड़ना भी शुरू हो गया। बिगड़ा कैसे? वली था, इसमें जात लेके आया, लोगों को इसमें जात सिखाया, कलब का इसमें जात सिखाया। जब वो दुनिया से चला गया उसका बेटा वली बन के बैठ गया। वलायत वरासत नहीं थी, अगर वरासत होती तो नबूवत होती ना, भाई नबूवत होती ना, वरासत नबूवत आला मकाम है ना वलायत से। अगर नबूवत वरासत नहीं है तो वलायत कैसे वरासत हो सकती है? अगर नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता तो वली का बेटा वली कैसे हो सकता? वाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? फिर उसका बेटा वो वली बन के बैठ गया। वो सदियों से ये रस्म चलना शुरू हो गई। हो सकता है उनमें कोई एक आध वली आ भी जाए, लेकिन सारी उनकी सारी औलाद वली तो नहीं हो सकती है ना। अब हमारे लोग उन गए जाके बैत होने शुरू हो गए, जाके पूछा, कुछ सुना था कि कलब का भी मामला होता है। कहने लगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जंगलों में जाना पड़ता है, ये तो बड़ा जलाली है, तू पागल हो जाएगा, क्या तू जंगल में जाएगा? बेहतर है कि तू वो शजरा शरीफ पढ़ लिया कर, हाँ बस इसी से रब पे तुझ पे राजी हो जाएगा। वो बेचारा सारी उम्र शजरा शरीफ पढ़ता रहा। शजरा शरीफ से सिर्फ शनाख्त हुई ना कि उस वली की किस किस से नस्बत है, और तो उसमें कुछ नहीं है ना, सिर्फ शनाख्त ही ना। वो शजरा शरीफ पढ़ता रहा, आखिर में उसने भी घर में वो रख दिया एक तरफ। फिर आगे हमारे आमल थे, उन्होंने देखा ये खाली पीली गद्दी नशीन से ज्यादा नशीन, अगर ये बैत कर सकते हैं तो हम बैत नहीं कर सकते। वो हमारे तावीज लिखने वाले, उन्होंने बैत करना शुरू कर दी। जब बैत करना शुरू कर दी तो मरीदों ने कहा भैया कलब का सिलसिला, उन्होंने कहा बस ये है कि खलके खुदा को राजी रखो, उनको फैज पहुंचाओ और ये तावीज लिख के उनको दो, बस इसी में अल्लाह मिल जाएगा। वो भी तावीज लिखना शुरू हो गए। ख्याल अब इधर चला गया ना तावीजों की तरफ, उनका ख्याल शजर की तरफ चला गया ना, वो अल्लाह को भूल ही गए ना। उसके बाद हमारे आलमों ने देखा भाई हम तो इनसे बेहतर हैं, इतना इलम जानते हैं,
अगर इन्होंने 10-20 आदमी पीछे लगा लिए तो हम नहीं कर सकते ऐसा। वो आलमों ने बैत करना शुरू कर दी। जब आलमों ने बैत करना शुरू कर दी तो मरीदों ने कहा कि कुछ कलब का मामला, बस मंतक सीख लो, फलसफा सीख लो, बहस करना सीख लो। फिर क्या हुआ कि नीम अकीम खतरे जाम, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही, मेरा माही तेरा माही। फिर वो जो उनके मरीद थे वो बहस मुबासे में लग गए, हर जगह बहस मुबासे शुरू हो गया। फिर हमारे मुफ्तियों ने देखा, ये तो हमारे शागिर्द थे आलम, इनके इतने मरीद हो गए तो हम क्यों पीछे रह जाए। उनके हम भी बैत करते हैं जी, आ जाओ। तो बैत शुरू हो गई। उन्होंने फिर क्या किया, फिर अपने शागिर्दों को वो फतवा सिखा दिया कि जो भी जरा हिले जुले उस पर फतवा लगा देना, हमारे बगैर जो भी हिले जुले उस पर फतवा लगा देना, और तुम इसका सबूत हम तुम्हें देते हैं। अभी रूहानी सफर को देख लो, इसके ऊपर जो फतवे लगाए उन्हीं के शागिर्दों ने लगाए ना भाई, उन्हीं मुफ्तियों के शागिर्दों ने फतवे लगाए ना, और उसके पढ़ पढ़ के देखो आया इसमें फतवे लगते हैं या नहीं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लल जिहाद अल जिहाद। अब उम्मत बिल्कुल ही इस मिजाज से दूर चली गई। अब उनको पता ही रहा कि इस मिजाज भी होता था, कहने लगे होता था लेकिन पुराने जमाने में, अब नहीं है। लेकिन जिस दिन ये इसमें ज़ात दुनिया से चला गया, दुनिया को हक ही नहीं है जिंदा रहने का, उसी दिन क़यामत को आ जाना है। ये इसमें ज़ात हर जमाने में, सिर्फ एक इसकी शनाख्त नहीं है। इस वक्त जितने भी आदमी हैं किसी न किसी से बैत होंगे। हर शख्स अपने पीर को वली समझता, तब उसे बैत हुआ ना, क्योंकि बैत वली की होती है। अब सारे तो वली नहीं हो सकते हैं ना, सबके पीर वली नहीं हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 360 वली होता है, 40 अब्दाल होता है। अब्दाल को भी इजाज़ नहीं है कि वो बैत करे, सिर्फ गौस और कुतुब। एक गौस तीन कुतुब वो अब्दाल, एक गौस तीन कुतुब वो बैत के मोजाज हैं या उनके आगे खलीफे। अब जिधर भी जाओ गौसे जमान और कुतुबे जमान, गौसे जमान और कुतुबे जमान। अब इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। वली को वली पहचानता है, वली को वली पहचानता है, चोर को चोर पहचानता है। इनको पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाकर कल्बी बनना होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। हदीस शरीफ में है कि वली की पहचान जिसकी महफिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए। जब तुम्हारी दिल की धड़कने अल्लाह में लग जाएंगी, फिर यहाँ नजदीकी दरबार है अब्दुल्ला शाह गाजी का, वहां चले जाना। वहां भी अल्लाह है, यहां भी अल्लाह है। जिस तरह बादल टकराते हैं गिड़गड़ाहट भी होती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह टकराता तो रिकत भी होती है। तुम्हारे दिल में रिकत पैदा हो जाएगी, तुम्हारा जिक्र तेज हो जाएगा, समझ जाओगे ये वली है। फिर दूसरी दरबार पे चला जाना, सेवन शिव चले जाना, वहां भी अल्लाह यहां भी अल्लाह, वहां भी रिकत पैदा हो जाएगी, दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह तेज हो जाएगी, समझ जाओगे कामल है। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना, मुर्शिद के पास चले जाना। अगर वहां भी जाने से वही चीज होती है जो सेवन शिव में हुई थी या गाजी बाबा पे हुई थी, फिर तुम्हारा मुर्शिद कामल है। फिर जान भी जाती है, जाने देना, उसको नहीं छोड़ना। मेरा माही तेरा माही, तीनों दुनिया की भलाई। फिर तुम जैसे भी हो परवाह नहीं। सुल्तान साहब ने फरमाया, अच्छा असा मुर्शिद फड़िया आपे लासी सारा हो, कि हमने मुर्शिद को पकड़ लिया, अब वो खुद ही हमारे गुनाहों को माफ कराएगा, साफ कराएगा, हमारे दिल को जंग उतारेगा। बल्कि ऐसे मुर्शिद के लिए हदीस है कि यौम मैशर में चमक रहेंगे एक कोने पे नबियों की तरह। लोग कहेंगे पता नहीं ये कौन सा नबी है, आवाज आएगा नबी नहीं वली था। लोग कहेंगे वली तो हर जमाने में होता है,
देखे तो जा किसी पहचान जाएंगे, एक कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको वुजू कराया था चलो बख्श दो, एक कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको खाना खिलाया था चलो बख्श दो, एक कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको कपड़ा दिया था चलो बख्श दो, हजारों गुनहगार इसी तरीके से बख्शे जाएंगे। और जिनको उनने खरीदा हुआ होगा, जो उसके मरीज होंगे जिनको खरीदा हुआ होगा, फिर वो जिधर जाएगा उधर उनको भी लेके जाएंगे, बनके मस्त मलंग रहेंगे, दुनिया वाले तंग रहेंगे। फिर आप अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो कामल नहीं है ना, तो फिर तो हम ही निकम्मे ही है ना। तो फिर सुल्तान साहब ने फरमाया उसको बोरी में बंद कर देना, तो यहाँ कराची में समुंदर नजदीक है वहां जाकर फेंक देना। वो कहते हैं कि वो 16 मखलूकों के कातिल है, वो तुम्हारे अंदर वो जो 16 मखलूकें थी जिन्होंने रब तक पहुंचना था, रब तक ये जिस्म नहीं जाता है, वो मखलूकें जाती हैं। तुमने बैत करी अल्लाह को पाने के लिए बैत करी, शख्सियत पाना मकसद नहीं, मकसद तो रब पाना था। उसने वो 16 मखलूकें जाया कर दी, अगर उसके 1000 मरीद हैं तो 16000 का कातिल है ना, फिर कातिल वो ऐसी मखलूकें थी। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी कुछ ऐसी मखलूक है जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और जिसके अंदर है वो भी नहीं जानते। और वो मखलूक जब अपने हाथ नूरी हाथ उठाती है अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है, और वो मखलूक थी तो मर भी जाते, और वो मखलूक क्यामत तक तुम्हारी जगह अल्लाह ला करती रहती, वो उन 16 मखलूकों का कातिल है। तो फिर बताओ जिधर वो जाएगा तुमको उधर लेके जाएगा। अब वलियों के लिए क्या है, जो वली बने हुए हैं, जिस तरह झूठी वलायत का दावेदार, झूठी नबुवत का दावेदार काफर है, नबी नहीं है लेकिन अपने आप को नबी समझता है काफर, उसको मानने वाले भी काफर हो जाते हैं, इसी तरह अगर कोई वली नहीं है अपने आप को वली समझता है तो फिर वो कुफर के नजदीक पहुंच जाता है, और उसको मानने वाले कमबख्त और बेनसीब। और वली क्या है, ये सारे अपने आप को वली समझते हैं, फिर वली क्या है, वली फिर वही है। अगर आपकी नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ से बातचीत हो और उसको देखा हुआ, ना देखा है ना बातचीत, कहते हैं मेरा दोस्त है, झूठ है ना। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह से बातचीत हो अल्लाह को देखा हुआ, वो वली अल्लाह है। ना अल्लाह को देखा है ना उसे बातचीत करता है, और कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, कितना बड़ा फ्रॉडी है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही। बता, यकीन करो इस इल्म बातन के बगैर इल्म जाहिर बेकार है। एक हदीस में ये जो जाहिर है ये बातन की नकल है, बात कह देते हैं, फतवे तो पहले ही काफी लगे हुए हैं कि ये जो दुनिया है ये बातन की नकल है, असल उधर है नकल इधर आया। ऐसे सबसे पहले ये जो औरत जिस पे तुम मरते हो ये भी नकल है ना, असल तो हो रहे हैं उधर, वो तुम्हारे लिए असल है वो हो रहे हैं, ये नकल है उनकी जगह आई है। उसके बाद ये जो तुम्हारे मकान तुम बनाए हो ये भी नकल है, उधर सोने चांदी के महलात हैं, इधर ईंटें गारे के मकान है, ये भी उनकी नकल है, नकल है ना। उसके बाद ये जो तुम फ्रूट खाते हो, खाना खाते हो, ये भी नकल है। सबसे पहले अंगूर आया ऊपर से, बहशत से आया, आदम अलैहिस्सलाम ने खाया वो असल था, फिर वो जमीन में गया, फिर उगा, फिर जमीन में गया, उस नकल नकली हो गया ना, अब इसमें जमीन की तासीर हो गई, और ये भी नकल। और तीसरी, जिस खाने काबा में तुम जाते हो कितने प्यार से जाते हो, वो यकीन करो वो भी नकल। वो असल खाना काबा बैतुल मामूर है, अल्लाह ताला ने
حضرت ابراہیم کو دکھایا, خواب میں دکھایا کہ ایسے ہی نکل کر خانہ کعبہ بنا. انہوں نے ایسے ہی خانہ کعبہ بنا. اصل تو اوپر ہے نا, اصل میں اصلی جائے نا, اس میں تو نقلی بھی جا سکتا ہے, ہر قسم کا آدمی جا سکتا ہے, اس میں تو نقلی نہیں جائے گا, اس میں تو اصلی بننا پڑے گا. اور یقین کرو یہ تمہارا جو قرآن مجید ہے یہ بھی نقل. اور یہ بھائی پریس سے آیا, کاغذ یہاں سے خریدا, پریس لگایا, وہ نقل ہے نا. اصل جو قرآن مجید ہے اس میں اصلی پہنچے گا, وہ تو نوری الفاظ حضور پاک کے سینے مبارک میں. میرا شاہی, میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی. اصلی بنو گے تو اصل تک پہنچو گے, اگر اصلی نہیں بنو گے تو نقل ہی نقل ہے تمہارے لیے. اور یقین کرو یہ تمہاری نمازیں بھی نقل. وہ اصل نماز مومن کا معراج ہے, تو یہ نماز فرقوں میں مبتلا کر کے لے گئی, یہ نماز صورت ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے, صورت نقل کو بولتے ہیں, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے, نماز حقیقت معراج ہے, اور یہ نماز نقل یہ فرقوں میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. اب اس باطن کے بغیر زہر کا کوئی قبولیت نہیں ہے, نمازوں کی بھی قبولیت نہیں ہے, کیونکہ ان میں باطن نہیں ہے نا. باطن کیا ہے؟ زہر لوگوں کو دکھانے کے لیے, باطن اللہ کو دکھانے کے لیے. زہر کے لیے حکم ہے تو ایسی عبادت کر, مسجد میں جا کے کر تاکہ لوگ دیکھیں جا کے کہ تو نمازی ہے. اور باطن کے لیے حکم ہے ایسی عبادت کر, چپ کے کر, تو جان اور میں جانوں اس کو بھی خبر نہ ہو. وہ باطن کی عبادت کیا ہے؟ وہ جب تمہارا قلب اللہ اللہ میں لگ جائے گا, یا تمہیں خبر ہوگی تو یا اللہ کو ہوگی, اس کو بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کل ہو واللہ و احد, کہہ دیجئے اللہ ہے, کہ آپ نے آمین کہا, آپ نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ہے کیا ہے, جنہوں نے آمین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے ہلو حجت کری منافق. اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ بس یہی ایک راز ہے. بلے شاہ نے فرمایا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے, اور جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے, ہلو حجت کری نا, پھر کہتے ہو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے, نہیں مانا, لام یلد ولام یولد, دل کہتا ہے ڈیوٹی سو لیٹ ہو گئے چل. جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے, مانو گے نا؟ اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا, اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ وہی ہیں منافق دل والے جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. وہ دل باطن ہے, زبان ظاہر ہے, اس کے ساتھ باطن نہیں ہے, وہ فرقوں میں چلی گئی. اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا, دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا, پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے, دل کہے گا اللہ اللہ, اللہ الصمد, دل کہے گا اللہ اللہ, لم یلد ولم یولد, دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں, زبان اقرار کر رہے, دل تصدیق کر رہے, اور جسم عمل کر رہے. اب زبان میں زہر, دل میں باطن, باطن اور زہر مل گیا. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے,
اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا کمال ہے. امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو, یہ جو تمہارا اخفہ یہ اس کا کمال ہے. اس لوتھڑی کا کیا, اخفہ کا کمال ہے وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ, اور اس قلب کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولے والے سنتے بن کے مست ملنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے, لاکھ ظلم و ستم سہیں گے. یہ قلب یہاں گونجے گا عرش مولا والے سنیں گے. اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا, وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر پوری زندگی میں دو رکعتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر. یہ نماز حقیقت ہے اور یہ تمہارا پہلی سنت ہے. حضور پاک غار حرام میں جاتے کیا کرتے, نمازیں تو تین ہی, ذکر اللہ ہی کرتے. پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں, نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں, نمازیں تو بعد میں اتری, اس وقت مسلمان کیوں کرتے؟ ذکر اللہ ہی کرتے. بس ذکر اللہ ہی کرتے رہے, کئی سال کرتے رہے, ذکر اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری, شب معراج میں اتری, تو پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی, سیدھی سینوں میں گئی. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. پانچ رکن ہیں. پہلا رکن کلمت, اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت طیب, اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہونا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے, اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے. الف لام میم تم کہتے ہو حروف مقطعات, آگے چلو. سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا, الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا. حضور پاک نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا, اور سارے علم سینے میں خود بخود ہی آ گئے. الف سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے, اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھے, اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے. یہ لوگ الف لام میم والے نور سے ہدایت ہیں, اور آگے کتاب سے ہدایت ہے. کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے, لیکن الف لام میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. ایک حدیث میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا. یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرضی ہو جائے یا وہابی ہو جائے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین و دنیا کی بھلائی, میرا ماہی تیرا ماہی, وہ سنی کا سنی رہے گا, وہ غیر مقلد کبھی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے, جس سے پوچھو کیا حال ہے, بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے, بڑا کرم. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, بڑا کرم. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا, اتنا بڑا افسر بن گیا, کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو تمہاری نادانی ہے. اور یہ چیزوں تو کافروں کو بھی دیے, جو کافروں کو دیے وہ تم کو دیے, تمہارے پر کیا کرم ہوا ہے؟ اگر تم نے اس کے کرم دیکھنا کہ واقعی اس کا کرم تمہارے اوپر ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. وہ آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے دل, وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر اللہ میں جھک جائیں. اس کے ذکر میں جھک جاؤ, دو چار پانچ چھ دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی, اس کا کرم ہو گیا. فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا, الٹا وحشی تو ہوتی ہے, الٹا اس کے خلاف ہو گئے, تو تمہارے پر اب کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیا ہوں, میرا مرشد کیا ہے, اور مجھ پہ رب کتنا کریم ہے, یہ کسوٹی ہے.
बंदे और रब के दरमियान एक हथियार है, वो दिल है। कहता है अगर मुझसे रब्ता करना चाहे तो इस टेलीफोन को साफ कर लेना, और किसी चीज से तलक नहीं है, इस दिल से तलक है, इस दिल को साफ कर लेना। अब दिल साफ कैसे होता है? अल्लाह के जिक्र से होता है। वो भी दिल जिक्र करे तो जुबान से जुबान पाक होगी ना, दिल से दिल पाक होगा ना। जब वो दिल का जिक्र सीखेगा तो उसका दिल पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर टेलीफोन साफ भी हो, ठीक भी पड़ा हो, तब भी उसको दो बिजली की तारों की जरूरत है। अगर ये साफ हो जाए तब भी इस दुनिया का निजाम बिजली का है, उस दुनिया का निजाम नूर का है। इस दिल में जरा भी नूर आ जाए, जिस तरह लोहे को लोहे से निस्बत है, मकनातीस मामूली सी सुई को दूर से खींच लेता है, तांबे को क्यों नहीं खींचता है? निस्बत है ना लोहे को, लोहे को खींचता है। इसी तरह जरा से भी नूर आ जाए, वो नूर का गोला इसे पैवस्त हो जाता है, उस आदमी को उससे निस्बत हो जाती है। अब लोग दुआ मांगते हैं, कबूल नहीं होती, कबूल नहीं होती तब वलियों के पास जाते हैं ना भाई, उनका टेलीफोन आया नहीं है, दुआएं करते हैं। अब कातमीन पता नहीं कब ऊपर भेजेंगे, कब वो दरख्वास्तें देखे ना देखे, वलियों के पास क्यों? उनके टेलीफोन साफ है ना, फौरन जाते हैं, जो बात करते हैं फौरन ऊपर पहुंच जाती है। जब ऊपर पहुंच जाती है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। और ये जो टेलीफोन वलियों में, वो भी तुम्हारी तरह थे, उन्होंने अपने टेलीफोनों को साफ किया तो वो वहां तक पहुंचे, तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। और जब कोई हर शख्स अल्लाह अल्लाह करता है, दिल से अल्लाह अल्लाह करता है, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। आप किसी भी शख्स को अमेरिका में बैठे आप उसको दिल से याद करें, 40 दिन याद करें, दिल को दिल से रख, उसका खत आ जाएगा। जब आप अल्लाह को दिल से याद करेंगे तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो अल्लाह ताला किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेता है। भाई उसके लिए एक नमाज पढ़ो 10 का सवाब दे देता है, 1 रुपया खर्च करो 10 वापस कर लेता है। उससे थोड़ी सी भी मोहब्बत करो वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत फिर करता है, क्योंकि वो एहसान नहीं उसको लेता। मोहब्बत का बदला मोहब्बत, फिर जब वो उसे मोहब्बत करता है फिर वो इश्क का मकाम है। तो जिथे इश्क पहुंचावे उथे ईमान को भी खबर कोई नहीं है। फिर मैं तेरा और तू मेरा, मेरा माही तेरा माही, दीनों दुनिया की भलाई, मेरा माही तेरा माही। अब इसकी इजाजत भी होती है, आप यहां तहज्जुद पढ़ते रहें, शैतान कोने पे खड़ा हंसता रहता है, क्यों थकता रहे? तेरा दिल तो मेरे हाथ में, जब जी चाहूंगा मोड़ दियो। और तुम एक दिन शिकायत हुई, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार था, मुझे क्या हो गया, मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता, तो शैतान ने दिल मोड़ दिया। जब कोई शख्स अल्लाह को दिल में बसाने की कोशिश करता है, शैतान सोचता है अगर ये अल्लाह इसके दिल में चला गया, इसका दिल मुनव्वर हो गया, ये तो सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया। उसके पास हिंदू फौज है, हुक्म देता है जाओ इसको तबाह करो, बर्बाद करो, कुछ भी करो, ये अल्लाह इसके अंदर ना जाए। अगर ये अल्लाह इसके अंदर चला गया तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिल पे अल्लाह नक्श हो जाता है। फिर कुरान उनके लिए फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे ईमान लिख दिया। ईमान क्या है? ये मोर पुलिस की लगी हुई है, इस साबित है पुलिस वाला, ये अल्लाह की मोर लगी हुई है, साबित है अल्लाह वाला। कुछ लोग हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिल पे हजूर पाक का रोजा मुबारक बस जाता है, फिर वो कहीं भी है मदीने में है। कुछ लोग ऐसे हैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिल पे खाना काबा आ जाता है। एक दफा मजद्दत अलफसानी रहमतुल्लाह ने देखा कि बातनी मखलूक उनको सजदा कर रही है, परेशान हुए, सजदा तो इंसान को जायज नहीं, इस्तदराज तो नहीं हो गया, आवाज आई घबराओ नहीं, ये तुम्हें सजदा नहीं करे, वो जो तुम्हारे अंदर खाना काबा बस गए उसको सजदा कर रहे हैं। जब राबिया बसरी रहमतुल्लाह के दिल पे खाना काबा आया
उसका भी को हुक्म हुआ जा जाकर उसका तवाफ कर। और तुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मनाया, इसको तो मैंने नूर से मनाया। फिर कुरान मजीद भी फरमाता है हबलुल वरीद, मैं उन्हीं के शारक के नजदीक हूं। हर आदमी सोचता है नहीं मेरी शारक की भी नजदीक है। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था हबलुल वरीद, वो कहते थे तू भी हमारी शारक के नजदीक है ना, हम शराब पीते हैं कुछ भी करते हैं तू भी हमारे साथ होता है ना। भाई शारक के नजदीक है फिर हमारे हर फेल में तू साथ है, तो जब तू हमारे साथ होता है तो फिर हमारा हिसाब किताब किस चीज का लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बनके मस्त मलंग रहेंगे भाई। अगर तू हबलुल वरीद है तो फिर हमारे साथ ही है, तेरे हिसाब किताब क्या। फिर उन्होंने खोला था नहीं, जब फतवे का जवाब दिया था कि वो उन्हीं के हबलुल वरीद है जिन लोगों ने उसको अपने अंदर बसा लिया, और जिन लोगों ने उसको अपने अंदर बसा लिया उसके लिए तो हदीस है मैं उनकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। कान सोचता है इन मरातों में से कोई मर्तबा ले ना जाए, हिंदू फौज जिन्नात की हुक्म देता जाओ उसको तबाह करो, अब तुम्हारे पास तो एक जिन भी नहीं है जो उनका मुकाबला करो। जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है, और शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और वो रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी, और वो रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर वो रहमान जाग नहीं उठते। वो मखलूकें जब तक जाग नहीं उठती फिर तुम बंदा नहीं रहे बंदा नवाज बन गए, बंदा नहीं रहे बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे गरीब नवाज बन गए। ये इसकी इजाजत है। अब इसका तरीका भी बताएं, हो सकता है कुछ अहले दिल हों, एक भी अहले दिल निकल आया तो हमारा मकसद पूरा हो गया। क्योंकि अगर किसी एक का भी दिल अल्लाह के जिक्र से धड़के, बीमारी से नहीं अल्लाह के जिक्र से धड़के, तो यकीन करो उधर अरशे मौला भी धड़कता है। जब अरशे मौला हिलता है तो फरिश्ते पूछते हैं ए अल्लाह ये क्या हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता मेरा एक खाकी बंदा जिस पे इनकार सजदा हुआ था आज वो नहीं, आज उसका दिल मेरे जिक्र में मसरूफ है। तो फरिश्ते कहते काश हम भी इस तरह के इंसान होते, हमारे अंदर भी ऐसा दिल होता, हम भी तेरे अर्श को हलाते। एक आदमी भी ऐसा निकल आए तो हमारे लिए बहुत कुछ है जो अर्श को हलाए। और उसी के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमाल। अब इसका तरीका क्या है, रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखें। आप थोड़े दिन लिखेंगे एक वक्त आएगा आप जो कागज पे लिखते थे आपकी आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा। जब आंखों पे तैरना शुरू हो जाए फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर दिल के ऊपर उतारने की कोशिश करें, अगर अल्लाह ने चाह जो कागज पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा। उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी टिक टिक, फिर उसके साथ अल्लाह मलाएं, एक के साथ अल्लाह एक के साथ हूँ। बार बार ऐसा करेंगे वो दिल की धड़कने अल्लाह में तब्दील हो जाएंगी। रात को सोने लगे उंगली को कलम ख्याल करके दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। आधी रात के वक्त इस दुनिया में खास फरिश्ते आते हैं, करामन कातबीन से हर आदमी के बारे में पूछते हैं बताओ इसका आखिरी उम्र क्या था जब ये सोने लगा था, पता नहीं सुबह इसकी जान है या नहीं, ये ईशा की नमाज पढ़ के सोया था, दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको खुश रखे, और ये दुरूशी पढ़ के सोया था अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे, और ये एक मस्कीन को खाना खिला के सोया था अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे, और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया था। वो कहते हैं खामोश आस्ता बात करो शायद उसकी याद में आंख लग गई हो सकता है तुम्हारी सारी रात अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर दे। उठे हैं ऑफिस जा रहे हैं, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं, लोग खफी को कल्बी समझते हैं, नहीं जब दिल की धड़कन से अल्लाह मिलता है वो जिक्र कल्बी कहलाता है। जब तक जिक्र कल्बी नहीं होता है जिक्र खफी करते रहे, वुजू हो या ना हो दिल का वुजू पानी से नहीं होता है, सारा दिन पानी में पड़े रहें
पानी तो दिल में जाएगा नहीं तो वुजू कैसे होगा। जब वो अल्लाह का नूर इस दिल में जाएगा वो इसको धोएगा, उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबां दा। और वो वुजू घड़ी घड़ी नहीं करते, जिंदगी में एक बार ही काफी है। अगर जिक्र से गर्मी आए बर्दाश्त करें तो बहुत बेहतर है, अगर बर्दाश्त ना हो तो दुरूश भी पढ़ें, दुरूश उसको ठंडा कर दे फिर जिक्र करें, क्योंकि कानून कुदरत है, गर्मी के बगैर कोई चीज नहीं पकती, ये कानून कुदरत ही है। फसल वो भी गर्मी के बगैर नहीं पकता, लेकिन जब वो जलने को होता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर बारिश बरसाता है। घर में हांडी है, जब जलने को होती है तो पानी का छींटा मारते हैं और खुशबू होती है। इसी तरह ये सीना भी गर्मी के बगैर नहीं पकता है ना, जब ये अल्लाह के नूर से जलने को होता है फिर दुरूश पढ़ते हैं उसको ठंडा कर देता है। जुबानी बात में सबसे अफजल दुरूश ही है, लेकिन जब जिक्र कल्ब अता हो जाता है तो दुरूश उसका वसीला बन जाता है। बहुत से लोग होंगे जिनके दिल की धड़कनें उम्र की वजह से महसूस ना होती होंगी, पहले तो वो कोशिश करें कि किसी तरीके से दिल की धड़कन उभरे, अगर नहीं उभरती है तो फिर वो सांस का जिक्र करना शुरू कर दें। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह बाहर हूँ अल्लाह हूँ, सांस तो आया ना, चलो इबादत ही सही। जहाँ जिक्र के हल्के होते हैं वहाँ जाके बैठें, अल्लाह की ज़रबें लगाएं। ये अल्लाह की ज़रबें जो हैं ये शोर मचाने के लिए नहीं है, अगर आप सिर्फ ज़रबें लगा के घर चले जाते हैं तो शोर मचा के आए हैं। ये अल्लाह की ज़रबें ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अल्लाह करते हैं, जिस्म को हलाते हैं, वो दिल की धड़कने उभरती हैं इससे। जब दिल की धड़कने उभरती हैं फिर इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं। वो कहते हैं कि किसानी आदि वलायत है, क्यों वलायत है? वो हल चलाता है, हल चलाता है, काफ़ी देर तक चलाता रहता है, फिर उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जब दिल धड़कना शुरू हो जाता है, अगर उस धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाए तो आदि बुलाएता है ना, वरना जिस तरह बैल का दिल धड़क रहा है इस तरह उसका दिल धड़क रहा है। अब इस ज़कूरियत के कुछ और भी तरीके हैं, कुछ लोग कनात पसंद हैं, कुछ कम मरतबे में, कुछ ज़्यादा मरतबे में, कुछ आशकीम हैं। अगर तू पाँच नमाजें पढ़ता है कनात पसंद है तो 5000 दफ़ा रोज़ जिक्र कर। ये तरीके हैं फ़कर के। अगर तू आलम है इमाम है मक्तदी पे फजीलत है वो 5000 दफ़ा जिक्र करता है, तू 25000 दफ़ा रोज़ जिक्र कर, तब तुझे उस पर फजीलत है। इसको आलम बामल बोलते हैं। अगर तू कोई कुतुब अब्दाल का रुतबा चाहता है उसके लिए हुक्म है कि 72000 दफ़ा जिक्र कर। अगर तू मेरा आशिक मैं तेरा आशिक, अल्लाह ताला फरमाता जल्दी आ मैं तैयार हूँ, यानी वहाँ कोई देर नहीं है, वो तरीका भी नहीं है। उसके लिए सवा लाख दफ़ा रोज़ जिक्र करना पड़ता है, तो सवा लाख दफ़ा जिक्र तस्बीह से नहीं होता है, सांस से नहीं होता है, ज़रबों से नहीं होता है, खफी नहीं होता, सवा लाख का जिक्र इन दिल की धड़कनों से होता है। यह सेकेंड की सुई इन धड़कन से बनी है, ये एक घंटे में 3600 दफा टिक टिक कर लेता है। जिक्र से और तेज हो जाता है गर्मी से, एक घंटे में 6000 दफा अल्लाह अल्लाह कर सकता है, 24 घंटे में सवा लाख से भी बढ़ जाता है। सवा लाख से आगे कोई इबादत नहीं है। अपने जब फतह मक्का हुई तो असहाबा कराम के दिल सवा लाख तक पहुंच चुके थे। उस वक्त वो आयत उतरी कि मैंने तुम्हारों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। वो आयत हर जमाने के लिए है, आज के भी लिए है। अगर आज भी किसी का दिल सवा लाख तक पहुंच जाए, अल्लाह कसम अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर। कोई मुसीबत आती है, आयत आतल करीमा पढ़ाते हैं, सवा लाख दफा पढ़ाते हैं ना, अगर इससे ज्यादा भी मकदार होती तो वो भी पढ़ाते हैं ना, 2 लाख दफा, 2.25 लाख दफा, लेकिन है ही 1.25 लाख दफा, इससे आगे इबादत ही कौन है। अगर वो कबूल हो जाए तो मुसीबत टल जाती है ना। बेशक अगर कोई शख्स रोजाना ही 1.25 लाख दफा अल्लाह अल्लाह करता रहे तो मुसीबत ही नहीं आए। इसके लिए ना तो मैं बैत करते हैं ना तुमसे कुछ चंदा मांगते हैं, उस वक्त तक तुम्हारा साथ देंगे जब तक तुम बंदा नवाज नहीं बन जाते। बल्कि मस्त मलंग रहेंगे, दुनिया वाले दंग रहेंगे। जिनके मुर्शिद हैं
जब वो जौहरी बन गए तो अपने मुर्शिदों को पहचान लेंगे, जब पहचान लेंगे तो हट ही जाएंगे ना खुद बुद्धि। तो जो बैत नहीं है तो फिर जब जौहरी बने तो उनको कोई मर्द कामन मिलेगा तो वली ही मिलेगा ना। इसके लिए जिक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। अगर जिक्र चल पड़ा तो दुआ दे देना, और क्या दोगे। अगर जिक्र नहीं चला तो दो चार पांच दिन मेहनत करी, उसका स्वाब तो मिल जाएगा ना, वो तो रहेगा नहीं जाएगा ना। इसके लिए मेरे ख्याल में एक और बात बता दूं, इसके लिए दिल का साफ होना जरूरी है। अगर दिल में जरा भी बात हो तो ये जिक्र फिर नहीं चल सकते हैं। दिल की सफाई क्या है कि हमने एक रूहानी सफर लिखी थी, कुछ जिंदगी के वाकयात, कुछ ख्वाबों के वाकयात। बहुत से उलमा हैं जो हमारे हक में हैं, बहुत से उलमा हैं जो बिल्कुल हमारे दुश्मन हैं। वो जो आलम सू किस्म के लोग हैं ना, वो तो हम पंजाब गए तो कहने हम तुम्हारी टांगें तोड़ेंगे अगर आए तो वो जो आलम हक है ना, वो तो सीने से लगाते हैं बड़ा अच्छा काम करके आए। उन आलम सू को अपनी रोटियां नजर आती हैं, आप तो कम हो जाएंगी, मरीद भी उनके इधर आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ख्वाबों को जहर में तब्दील किया और सत्रों को आगे पीछे करके उसके ऊपर फतवे लगा दिए। हम जिधर जाते हैं वो फतवे आगे पहुंचे हुए होते हैं। तो लोगों कहते हैं बेहतर है कि तुम रूहानी सफर खुद ही पढ़ो, फिर इंसाफ करो। फिर वो लोग रूहानी सफर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं उन उलमा से कहते हैं इनमें तो ऐसी चीज नहीं है जो तुमने फतवे लगा दिए। फिर वो कहते हैं दरअसल बात यह, ये दूसरा एडिशन है, वो पहला एडिशन इन्होंने छुपा लिया है। और हम कहते हैं को पहला एडिशन तुम्हारे पास तो होगा ना, जिससे तुमने वो तहरीरें ली है वही दिखाओ ना। अल्लाह वही दिखाओ, पता चले। हम एक अल्लाह रसूल के हुक्म से एक बात करके जाते हैं और वो उसके ऊपर झाड़ू फेरने की कोशिश करते हैं। बेशक उनका झाड़ू जबानी लोगों के ऊपर फिर सकता है, लेकिन वो जो दिल वाले हैं उनका झाड़ू कभी दिल पे नहीं जा सकेगा। जब दिल पे झाड़ू नहीं जा सकेगा तो हम तो देख रहे हैं उनकी मुखालफत के बावजूद वो दिल वाले निकल ही रहे हैं और निकलते रहेंगे। जिक्र लेना चाहेंगे इनको बुलाएं, किस्मत सामईन इकराम। वो हजरात जो जिक्र कल्ब की इजाजत लेना चाहें, बैत नहीं होती, चंदा नहीं लिया जाता, मीरा से रसूल इसमें जात अल्लाह का इल्मी और रूहानी इज़्ज़त दिया जाता है, जिससे आपकी कल्ब की धड़कनें अल्लाह अल्लाह बोलने लग जाती हैं, जिससे आप मज़ारात पे जाएं हरी चादरों के बजाय साहिब मज़ार का दीदार करें। दिल की आंखों के लिए, मीरा से रसूल के लिए जो जिक्र कल्ब लेना चाहें, वो एक सीढ़ी से आएँ और दूसरी सीढ़ी से उतर जाएँ। हासिल कीजिए ताकि रूहानियत की मालूमात हो सके, विलायत क्या है, फैज़ान रसूल क्या है, आप जानिए ये आप पर फ़र्ज ऐन है। हम तरक्की दुनिया के लिए लिटरेचर पढ़ते हैं, क्या बेहतर नहीं तरक्की दीन के लिए, क़ुर्ब रसूल के लिए किसी ऐसी किताब को भी थामा जाए, किसी ऐसी तालीम के करीब आया जाए जो हमारे दिल को मदीना बना दे। इसमें ज़ात अल्लाह का नाम पूरी कायनात का हासिल है। अल्लाह का नाम हासिल कीजिए, कागज़ पे लिखा हुआ अल्लाह इसमें ज़ात का फैज़ नहीं दे सकता, मगर दिल पे लिखा हुआ इसमें ज़ात अल्लाह आपको मदीना से करीब कर देगा, लाखों सरहदों को दिल के फासले ख़त्म कर देंगे। ये दौलत उज़्मा हर शख्स के लिए है, अमीर गरीब काला गोरा, सरकारी गैर सरकारी अफसर, पुलिस और फौज, गरीब और अमीर किसी के लिए इम्तियाज नहीं। अल्लाह ने हर एक को दिल दिया है, बातिनी दौलत दी है, इसको यूटिलाइज कीजिए, इसको इस्तेमाल में लाइए। इसमें ज़ात अल्लाह किसी से लिखवाएं, हम नहीं कहते यहाँ आए, लेकिन अगर आप उम्र खपा चुके इसका राज किसी ने ना बताया तो फिर उससे करीब आ जाएं जो आपको ये राज बता रहा है, उससे इसमें ज़ात लीजिए जो इसमें ज़ात बांट रहा है। ये कायनात का ताज है, इसमें ज़ात कायनात का हासिल है, इसमें ज़ात मीरा से रसूल है, इसमें ज़ात रास्ता है काबा का, इसमें ज़ात रास्ता है मदीने का,
اس میں ذات راستہ ہے ذات رسول کا، اس میں ذات راستہ ہے ذات خدا کا، لیکن یہ شاہراہ ولی کے بغیر نہیں ملتا، کسی ولی کی توجہ کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ آئیے اور حاصل کیجئے، جو چیز قیامت تک کی مشق سے حاصل نہ ہو ولی کی نظر سے ملا کرتی ہے، اور وہی چیز اس میں ذات اللہ ہے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے یہاں سے گزریے، شاہ صاحب کا کل ہونے والا پروگرام ملیر میں مینارہ نور کانفرنس کینسل ہے۔ کل شاہ صاحب انجمن کے دفتر میں مریض حضرات کے لیے بعد اثر اور ذکر قلب کے لیے بعد مغرب تشریف فرما ہوں گے۔ ایڈریس کے لیے انجمن کے لٹریچر اسٹال پر اور نیچے تقسیم ہو رہا ہے، وہ لے کر جائے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے گزریے، اللہ پڑھتے پڑھتے گزریے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے با ادب گزریے۔ یہ مقام بڑی پاک بارگاہ ہے، یہ مقام میراث رسول کی تقسیم کا ہے۔ دل رو اٹھتا ہے جب معاشرے کی خستہ حالت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے اس میں ذات ہے کیا، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ میراث رسول کیا ہے۔ آپ خدا کو کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو دل سے ملے گا۔ للہ، اپنے دل کو جانوروں کی طرح دل نہ رہنے دیجئے، اپنے دلوں کو مومن کا دل بنائیے، خدا کا عرش بنائیے، اپنے دل کو مدینہ بنائیے۔ زبان کے مدینے کے نعرے آپ کا دل مدینہ نہیں بنا سکتے، مدینے والے کا فیض اس میں ذات ہے، اس میں ذات آپ کے دل کو مدینہ بنائے گا۔ اس میں ذات کے حصول کے لیے سفر کیجئے، 1000 سال تک چلنا پڑے، اس میں ذات کے حاصل کرنے کے لیے تو 1000 سال کا سفر واجب ہے کہ کریں، وہاں تک پہنچے جائیں۔ اس میں ذات تقسیم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا حبيبنا وسندنا وشفينا مولانا محمد وعلى ال صحابه بارك وسلم وصلى عليه، امين۔ ربنا اتنا في الاخره حسنه وقنا عذاب النار، امين۔ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، امين۔ مولاي كريم تیرے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کو، ان کے احکامات کو اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا گیا یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے اس پر سخت دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے ہماری ذکر و فکر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیر و مرشد کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیر و مرشد کے اسی نقش و قدم پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیر و مرشد کے روحانی فیض سے صحیح معنی میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہر مسلمان ہر مومن کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله